राधानगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों 10 फरवरी को हुए चोरी एवं बरहरवा थाना क्षेत्र में 15 मार्च को हुए लूटपाट के मामले में दोनों ही थाना क्षेत्र की पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उक्त बातों की जानकारी साहिबगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP अनुरंजन किस्पोटा ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि लूटपाट व चोरी की घटना में लूटे गए सामानों जिसमें सैमसंग कंपनी की LED TV, SR कंपनी का लैपटॉप, लूटी गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। दोनों ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। और इन लोगों ने कड़ी मेहनत के साथ इस दोनों कांडों का उद्भेदन किया है और इस दो कांड में लूट मोबाइल कंप्यूटर तथा चोरी गए LED को सही बरामद किया है तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। इस लूटकांड में और चोरी की घटना में शामिल दो लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। शेष की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। इसमें एक पिंटू सरकार है, दूसरा कंचन मंडल है। इसमें पिंटू सरकार का दो आपराधिक इतिहास रहा है, वो पहले भी जेल गया है आर्म्स एक्ट के केस में और दूसरे उत्पाद अधिनियम में दारू के केस में। इस तरह इस टीम ने बहुत बेहतर काम किया और दो कांडों का सफल उद्भेदन कर उसमें जो चोरी गई थी उस सामानों को बरामद किया है। धन्यवाद।